8 किलोवाट का पावर प्रोड्यूस करती है और 52 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो जब आप इको मोड में चलाएंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड यहाँ पे मिलती है, सिटी मोड में 70 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे टॉप स्पीड मिलती है और हैवॉक मोड में ये बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को छू जाती है। आपके लिए एक बेहतरीन सिटी कम्यूट बन पाएगी या नहीं और क्या आपको इस इलेक्ट्रिक बाइक को खरीदना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को इस रॉर के साथ। रोर को फ्रंट से जब आप देखते हैं तो इसका रोडस्टर जैसा लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। LED सेटअप यहाँ पे मिलता है, हेडलैम्प्स में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और 17 इंच का टायर मिलता है आगे विद डिस्क ब्रेक्स। अब देखते हैं साइड में क्या क्या है। साइड से जब आप रोर को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बड़ा सा बैटरी पैक जो कि आपको 4.4 किलोवाट का मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी माउंटेड है इसकी मोटर जो कि 8 किलोवाट का पावर प्रोड्यूस करती है और 52 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करूँ तो 200 NM का बहुत शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी बहुत शानदार है जो कि है 230 NM की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल जो ग्राफिक्स और डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स जैसा ही नज़र आता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे ओवरऑल मटेरियल जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है ताकि बाइक को हल्का बनाया जा सके। बाकी इसकी सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पे 800 एम की आपको सीट हाइट मिलती है और साथ ही साथ इसकी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको एक आधा लीटर की बॉटल आप स्टोर कर सकते हैं और इसी के अंदर आपको यहाँ पे USB पोर्ट भी मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे कन्वेयर बेल्ट है, इसमें आपको नीचे मिलती है मेन पुली से यहाँ पे आपके यहाँ तक आप देख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो रेयर में टायर दिया गया है वो भी 17 इंच का है विद डिस्क ब्रेक और पीछे मिलता है आपको एक मोनोसॉक सस्पेंशन। और यहाँ पे जो सीट देखेंगे आप तो यहाँ पे दो लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पीछे पिलियन के हिसाब से भी स्पेस काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे दो छोटे छोटे ग्रैब रेल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रेयर प्रोफाइल और रेयर से जब आप इस रॉर को देखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलता है रेयर में और ये बेहतरीन सा मड गार्ड आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको ओबेन की बैजिंग मिल जाती है। तो ये था इस बाइक का ओवरऑल लुक और डिज़ाइन। अब देखते हैं आखिरकार चलने में कैसी, इसको राइड पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं चलाना शुरू कर चुका हूं इस ओबेन की रोर को और देखते हैं आखिरकार ये रोड पे कितना रोर करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके थ्रॉटल रिस्पांस की, बैटरी की और पावर की। तो यहां पे इस बाइक में आपको तीन मोड्स मिल जाते हैं। सबसे पहले जब ये बाइक स्टार्ट होती है तो इको मोड में स्टार्ट होती है हमेशा ही, उसके बाद आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं तो दूसरा मोड आता है आपका सिटी मोड और फिर आता है आपका तीसरा मोड जो कि आपका स्पोर्ट्स मोड जिसको कहा जाता है यहाँ पे हैवॉक मोड। तो यहाँ पे आपका जो इको मोड है उसमें 120 किलोमीटर की रेंज मिलती है, फिर आपके सिटी मोड में आपको 90 किलोमीटर की रेंज मिलती है और हैवॉक मोड में आपको 70 किलोमीटर की रेंज मिलती है और इसी हिसाब से यहाँ पे इनकी टॉप स्पीड भी अलग अलग है। तो जब आप इको मोड में चलाएंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड यहाँ पे मिलती है, सिटी मोड में 70 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे टॉप स्पीड मिलती है और हैवॉक मोड में ये बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को छू जाती है। बाकी इसका जो मिड रेंज है वो काफ़ी बेहतरीन है बाइक का और साथ ही साथ बाइक बहुत ही अच्छी कंट्रोल में रहती है। इसका जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है, हैंडलिंग वगैरह, वो काफ़ी शानदार लगा मुझे। ब्रेकिंग वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो इसका इंडिविजुअल ब्रेक्स की अगर बात की जाए तो आगे वाला जो ब्रेक है वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है और बहुत ही जल्दी बाइक को कंट्रोल कर लेता है। बट अगर पीछे वाले ब्रेक की बात की जाए तो जब आप इंडिविजुअली सिर्फ पीछे वाला ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पर उसका ब्रेक बाइट थोड़ा सा कम है जिसके कारण बाइक को थोड़ा रुकने में रिस्पॉन्स लेट आता है, मतलब बाइक थोड़ा सा लेट रुकती है। तो इसीलिए जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो हमेशा मतलब लगाने चाहिए यूजुअली दोनों ब्रेक, बट आप मोस्टली इसके साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। मतलब मैं तो इस चीज़ को टेस्ट कर रहा था तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को देखा। इस बाइक को बनाने का मोटिव था वो ये था कि जो कम्यूटर बाइक्स होती हैं, मतलब जो 150 cc के रेंज में आती हैं, उस तरह से यहाँ पे इस बाइक को ओबेन ने बनाया है और यहाँ पे उसी तरह से सारी चीज़ें देने की कोशिश की गई है।
और साथ ही साथ इसमें आपको जो बैटरी है उसमें भी काफ़ी अच्छी खासी रेंज मिल जाती है। हालांकि अभी हमने इसका रेंज टेस्ट नहीं किया है, जब हमारे पास ये लॉन्ग टर्म के लिए आएगी तब हम इसका रेंज टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस चीज़ को मिस ना कर सकें। बाकी ओवरऑल इसके सस्पेंशन वगैरह की बात करूँ तो सस्पेंशन वगैरह जो है वो थोड़े स्टिफर साइड पर हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जब आप एक लाइट बाइक चलाते हैं, मतलब एक जो इलेक्ट्रिक बाइक होती है वो थोड़ी सी लाइट वेट रखी जाती है, और उसका उस तरह से लाइट वेट रखने का कारण होता है ताकि रेंज ज़्यादा मिले। तो जब आप गड्ढे वगैरह से निकलते हैं तो वहाँ पे आपके ये जो स्टिफर साइड वाले सस्पेंशन हैं ये आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, जिसके कारण आपको ज़्यादा जर्क वगैरह महसूस नहीं होता और बहुत शानदार तरीके से ये किसी भी गड्ढे वगैरह को क्रॉस कर लेती है। सीट काफ़ी अच्छी है, कुशनिंग वगैरह ठीक ठाक है, यहाँ पर डिसेंट है, एंड ओवरऑल यहाँ पे कॉर्नरिंग वगैरह में काफ़ी सही रहती है बाइक। इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत कम है और ज़्यादा आपको हैसल नहीं करना पड़ता इस बाइक में, आपको बिल्कुल इजी आप इस बाइक को राइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बाइक में अच्छी चीज़ ये भी है कि इसमें जो बैटरी वारंटी मिलती है आपको 3 साल के लिए मिलती है और 50,000 किलोमीटर, और साथ ही साथ 5 साल के लिए भी मिलती है जो कि 75,000 किलोमीटर तक जा सकती है। एंड साथ ही साथ इसमें जो मोटर की वारंटी मिलती है वो भी 3 साल तक की मिलती है और 50,000 किलोमीटर की मिलती है, और जो इसका कस्टमर सर्विस है वो भी काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पे आपको 3 फ्री सर्विसेज मिल जाती हैं 5,000 किलोमीटर तक। बाकी इस बाइक के बारे में एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि इसके जो ओवरऑल पार्ट्स हैं वो OEM ने खुद बनाए हैं। यहाँ पे एक अच्छा फीचर बताता हूँ आपको कि जो इसकी LED स्क्रीन है, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे, ये आपको ऑटोमेटिकली जैसे आपकी मोबाइल में ब्राइटनेस ऊपर नीचे अपने आप होती रहती है डार्कनेस को सेंस करके, उसी तरह से इसका भी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो उस तरह से ट्यून होता रहता है अपने आप ही। बाकी ओवरऑल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है बाइक का, एंड जब ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए आएगी तब हम इसका रेंज टेस्ट करेंगे। तो अब बात आती है कंक्लूजन की कि आखिरकार ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा है बाइक का और क्या इस बाइक को सिटी पर्पज़ के हिसाब से या डेली कम्यूट के हिसाब से खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अब बात आती है कंक्लूजन की कि आखिरकार ये बाइक आपके लिए है या नहीं। तो इस बाइक की सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं कि इसकी जो प्राइसिंग रखी है अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है इसका वो है 1.49 लाख रुपीस का, मतलब लगभग आप 1.5 लाख रुपए में इस बाइक को खरीद सकते हैं इंट्रोडक्टरी प्राइस पे, और साथ ही साथ इस बाइक में आपको अच्छी खासी रेंज भी मिल जाती है, तो मतलब आपका डेली का काम यहाँ पे आराम से चल सकता है। बाकी ओवरऑल स्पीडिंग के हिसाब से भी बाइक काफी अच्छी है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफी अच्छा लगा मुझे। ओवरऑल जो ये पैकेज है बाइक काफी बेहतरीन पैकेज है। तो आपको कैसी लगी ये ओबेन की रॉर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको भी एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी है तो आप इस बाइक को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कर लें ताकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट मिस ना कर सकें। बाकी आपको क्या लगता है इस बाइक के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ऑटोमोटिव कंटेंट को मिस ना कर सकें।